हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेन नॉलेज। मैं हूं आपका फ्रेंड सचिन। आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं नैंड गेट। चलिए देखते हैं कि नैंड गेट किसे कहते हैं, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका लॉजिक डिजाइन कैसा होता है, इसका ट्रुथ टेबल कैसा होता है। द नैंड गेट इज द यूनिवर्सल गेट। जो नैंड गेट है इसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इट मीन्स ऑल द बेसिक गेट्स एंड और नॉट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग नैंड गेट। इसे यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं कि जो हमारे बेसिक गेट है जैसे एंड और नॉट गेट है, इसके यूज से हम इन सभी गेट्स को हम बना सकते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट। यह जो कॉम्बिनेशन होता है एंड और नॉट गेट से मिलकर ये हमारा नैंड गेट बना होता है। द आउटपुट स्टेट ऑफ द नैंड गेट विल बी लो व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। जो नैंड गेट का आउटपुट है वो लो तब होता है जब इसके इनपुट हो वो पूरे हाई हो। This gate is the complement of AND gate. ये जो गेट है वो AND gate का complement. AND gate में क्या होता था कि अगर हमारा पूरे इनपुट हाई है तभी हमारा आउटपुट हाई होता था, लेकिन इसमें क्या है, अगर हमारे पूरे इनपुट जो है हाई है तो हमारा जो आउटपुट होगा वो लो होगा। तो ये हमारा जस्ट कॉम्प्लीमेंट है AND gate का। इसका बुलियन एक्सप्रेशन देख बात करें तो A dot B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वाई। अगर ये ऐसा में कहीं भी दिखे तो ये हमें जानना चाहिए कि ये हमारा कौन सा गेट है, नैंड गेट है। अगर लॉजिक डिजाइन की बात करें, देखिए ये हमारा नैंड, ये हमारा एंड गेट है, ये हमारा नॉट गेट है, और तो ये इसको क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। ट्रुथ टेबल की बात करें तो 0011 01 01, अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए अगर इसका दोनों इनपुट हाई लो है तो आउटपुट हाई है, अगर इसका एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है, लेकिन अगर इसका दोनों इनपुट हाई है तो जो आउटपुट है क्या मिल रहा है, हमें लो मिल रहा है। तो जनरली फ्रेंड्स ये था हमारा नैंड गेट का कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स टू एवरीवन।